यानी कि इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपको भी 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है और आप भी चाहते हैं कि मैं 100 में यानी कि हिंदी में 100 में 95 प्लस मार्क लेकर आऊं, तो ये पेपर आपको सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि ये इस पेपर से क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और इस पेपर को मैं इस वीडियो को मैं सॉल्व कराने वाला हूं, तो 16 फरवरी वाले स्टूडेंट हिंदी का पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जो जीवन परिचय मैंने आपको बताया था, जो कहानी बताई थी, जो रस छंद अलंकार बताया था, वो सब इसमें दिए गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लास 12 ये सामान्य हिंदी का यानी कि हिंदी का ये पेपर है। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। ठीक है, तो बस आज रात ये पेपर सॉल्व करके जाना। देखिए आपका हिंदी का पेपर जो है वो खंड का और खंड खा दो भागों में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में आग लगाकर आना है, मतलब आग नहीं लगाना है, आपको 95 प्लस लेकर आना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा खंड का में पहला क्वेश्चन जो होगा ये हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी कंटेंट आपको सर्च करना है सिर्फ पीछे शुभम लेक्चर लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। ठीक है, तो संपूर्णानंद जी है आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया है 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, पूरी कॉपी लिखना मैंने बताया है, उसको भी सर्च कीजिए, पीछे शुभम लेक्चर लगा ये वीडियो मिल जाएगा। 4 से 5 लाख बच्चों ने 2 ही हफ्ते में देख लिया है, तो आप भी जाकर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। दूसरा देखिए खा वाला लल्लू लाल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो लल्लू लाल जी की है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा प्रेम सागर। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, फुल सॉल्यूशन में बताऊंगा, ताकि आपका अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से लिख सकें। गांव वाला देखिए पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं, सब सही आंसर है। कॉपी में आपको काखा गा करके लिखना है सही आंसर, कॉपी लिखना मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, नहीं देखा तो आपकी गलती है। गांव वाला देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अंगा वाला बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपका घावा चौथा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सही आंसर देना होगा। और 5 नंबर के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य के, अब फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य से, यानी कि टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 10 दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए कामायनी किस युग की रचना है, 4 ऑप्शन आपके पास है सेकंड पेज में। देखिए फर्स्ट है द्विवेदी युग, सेकंड है छायावादी युग, थर्ड है भारतेंदु युग, फोर्थ है प्रगतिवादी युग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड छायावादी युग। ठीक है, देखिए कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, क्योंकि इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि छायावादी युग के कवि है। ठीक है, खावाला देखिए निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का, इसमें से कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी युग के है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा अग्रदास जी। ठीक है, इनमें से जो अग्रदास जी है ये प्रगतिवादी युग के कवि है। गावाला देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, सभी को पता है तार सप्तक के आगे तारा है, यानी कि तार आ गया, और 43 में भी तारा आता है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा 1943। ठीक है, तो 43 में भी ता और आएगा, तार सप्तक में भी तारा आएगा, ये ट्रिक है याद कर लेगा। ठीक है, गावाला देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है, तो कामायनी, मैंने अभी बताया कि कामायनी छायावादी युग की रचना है, ये द्विवेदी युग की नहीं है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो नहीं वाला आपको वर्ड ध्यान देना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या पढ़ते हैं द्विवेदी युग की रचना है, जल्दबाजी में ऐसे पढ़ देते हैं फिर गलत कर देते हैं। ठीक है, अंगा वाला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है, तो मामा। ठीक है, रामचरित मानस महाकाव्य, साकेत भी है, पद्मावत भी है, बट जो मामा है ये महाकाव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट